आदरणीय मंचा सिंह व सभागार में उपस्थित समस्त शोध छात्र छात्राएं व विद्वत्जन, मैं तो सबसे पहले कल्पना पटवारी जी के प्रति क्या बताऊं, हत प्रभु, इसलिए हत प्रभु कि इतनी सारी संगीतों को एक मंच से इतने रूपों में प्रस्तुत करना शायद मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है और सुना। और जिस सेतु की बात श्री प्रकाश इस भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक भोज श्री प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी बार बार कह रहे थे कि सेतु के माध्यम बने हम लोगों को सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी, अगर मैं ये शब्द को उलट करके कहूँ कि आज कल्पना पटवारी जी को के संगीत को सुनने का या भोजपुरी के प्रति उनका जो अगाध प्रेम है, असमिया के होते हुए भी आपने अपनी ओर से बिहारी जितने भी भोजपुरी के आयाम हो सकते हैं उन सभी आयामों को उस रूप में प्रस्तुत कराने का या आपको सुनने का जो सौभाग्य मिला, ये इसका श्रेय या सेतु इस भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला जी को जाता है कि उन्होंने ऐसे विदुषी को हमारे सामने उपस्थित किया। शायद भोजपुरी अध्ययन केंद्र में या बनारस में कम से कम 10 साल से मैं रह रही हूँ, ऐसी प्रतिभा न देखने को मुझे मिला और न सुनने को मिला। मैडम का हमारे ख्याल से बार बार जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से कबीर ने जो कुछ लिखा उनको शिष्यों ने उनके लिपिबद्ध किया, उसी तरह से भिखारी ठाकुर के प्रति आपका जो अगाध प्रेम है इसको मैं पहली बार देख रही हूँ। भिखारी ठाकुर के ऊपर तो रिसर्च करने वाले बहुत लोग रिसर्च करते हैं, लेकिन इस तरह का अगाध प्रेम जिस तरह से आपके भीतर मैंने देखा, शायद यहाँ शोध छात्र करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके में भी नहीं दिखाई दिया। और ऐसी प्रतिभा को मैं चाहती हूँ कि जो भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक श्री प्रकाश शुक्ल जी हैं, समय समय पर बुलाया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देख करके आपके भोजपुरी गीतों को सुन करके, भोजपुरी क्या, अगर मैं कहीं कि पूरे भारतीय भाषा केंद्र का आप एक सीमित रूप है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल साउथ को छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद मराठी को छोड़ दीजिए, 2-4 माने 5-6 भाषाओं को छोड़ दीजिए, तो करीब करीब सारी भाषाओं को आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मैं यह समझती हूँ कि आपने कहा कि बोली बोली में जितना हम लोगों का अपनत्व है शायद किसी दूसरे चीज में नहीं है। आज भी हम भोजपुरी अगर भाषा कह देंगे तो शायद भाषा कह देने में हमारा वह अपनत्व, भले हम 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन शायद वह अपनत्व मुझे आभास नहीं करा पाएगा जो कि बोली में हमें होता है। तो कल्पना जी हमारे बीच उपस्थित हुई और बार बार उन्होंने अपने प्रेम को दर्शाया, बिहारी वहारी सारे चीजों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा भूपेन हजारिका से शुरू होती है और भिखारी ठाकुर तक समाप्त होती है, एक शिष्या की बहुत बड़ी, जैसे कि किसी ने कहा है कि योग्य अगर साहित्यकार योग्य है तो उसको योग्य समीक्षक मिल जाए तभी वह योग्य होता है रचनाकार। रचनाकार की रचना धर्मिता को परखने के लिए योग्य समीक्षक का होना जरूरी है। आप जैसी शिष्या को पा करके भूपेन हजारिका जी भी सोच रहे हो कि मैंने किस शिष्या को पैदा किया जो हमारे नाम को विश्व पटल पर ले जा रही है। ऐसे मैं सोचती ऐसे भाव शिष्यों में होना चाहिए और अपने गुरु के प्रति जो अच्छी भाव है उसको लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप हमारे बीच में एक प्रकार से गुरु शिष्य के संबंध को भी एक दीप के रूप में आपने हमारे सामने रखा, उसको प्रज्वलित करने का आप प्रयास कर रही हैं और भूपेन हजारिका के नाम को आप विश्व पटल पर ला रही हैं। ऐसी योग्य शिष्या के रूप में भी मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ या आपको बहुत बहुत हृदय से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस तरह से पूछना कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग भोजपुरी के बारे में क्या कर रहे हैं, शायद पहली बार कोई महिला आई चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आया, मैं इसमें बंटवारा नहीं कर रही हूँ स्त्री या पुरुष का, मैं कोई ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति जैसा राजमणि त्रिपाठी जी ने बताया, नाम अगर गलत हो जाएगा तो माफ कीजिएगा यार, हाँ सिद्धार्थमणि त्रिपाठी जी ने जैसा बताया कि आप जिज्ञासु हैं तो सचमुच इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आप लोग क्या सोचते हैं, लोगों से पूछना, लोगों की भाव को जानना, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप हमारे बीच आकर के अपने भावों को रखिए और कम से कम कुछ नहीं तो हमारे छात्र छात्राएं यह तो सीखेंगे कि किस तरह से एक असमिया का होते हुए मैडम ने भोजपुरी को सीखा, बिहारी को सीखा, चैता को सीखा, सोहर को उसी रूप में प्रस्तुत किया, उस बोली को न जानते, अगर आप नहीं कही होते कि मैं नहीं जानती हूँ, यहाँ के बच्चे जानते भी नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आपने उसी लय तान सुर में उसको प्रस्तुत किया, यह एक बहुत बड़ी एक कुदरती देन है सरस्वती की, आपको यह एक देन मिला हुआ है। आप बागेश्वरी देवी, अगर मैं कहूँ कि आप साक्षात बागेश्वरी देवी हैं,
देश में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपको पा करके हम छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए और इसका श्रेय मैं श्री प्रकाश शुक्ला जी को देती हूँ। आप कह रहे थे कि आप लोग भोजपुरी के लिए क्या प्रयास करते हैं, भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक श्री प्रकाश शुक्ला जी न चैन से बैठते हैं न चैन से बैठने देते हैं किसी को। हर तीसरे रोज भोजपुरी के प्रचार प्रकाश प्रसार के लिए आपने कुछ न कुछ करते रहे, बल्कि मैं उब जाती हूँ इनसे, कहती हूँ अरे यार कुछ दिन तो बैठने दो आप। तीसरे चौथे दिन किसी न किसी को बुला करके भोजपुरी के बारे में वक्तव्य कराना, वक्तव्य बच्चों को सिखाना, बच्चों को भोजपुरी के बारे में लाभान्वित करा। जितने कभी हमारे ख्याल से इसके पहले बच्चे किसी के भिखारी ठाकुर को पढ़ते रहे होंगे इतना विस्तार में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये श्री प्रकाश शुक्ला जी का यह प्रयास अथक प्रयास है। अभी दो महीना बीमार थे, उसमें भी दिन रात लिख करके ये करना है ये करना है ये करना है। शायद इससे योग्य साधक भोजपुरी अध्ययन केंद्र को नहीं मिलेगा। प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला जैसे मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कर रही हूँ, मैं सही बातें कर रही हूँ कि बहुत प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके प्रयासों के फल स्वरूप आज नहीं तो कल आठवीं अनुसूची में भोजपुरी जो है उसको भाषा का दर्जा मिल ही जाएगा। और हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पी के मिश्रा जी, वो भी आकर के भोजपुरी में अपनी बातों, एक बहुत बड़ी बात है कि केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र या प्रोफेसर होते हुए भी भोजपुरी में उन्होंने अपनी बात की। यह बात उन्होंने सही कहा कि भोजपुरी में हम बात करने में शर्माते हैं, ऐसा लगता है कोई हमें गंवारू न समझ ले, तो सचमुच हम लोग को भोजपुरी को खुल करके बोलना चाहिए और अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना चाहिए। हमारे बीच आए उनका मैं हृदय से आभार और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। श्याम बाबू पटेल हमारे विश्वविद्यालय के उन्हीं के सौजन्य से ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, श्याम बाबू पटेल जो वित्त अधिकारी हैं उन्हीं के सौजन्य से हमारे इस भोजपुरी अध्ययन केंद्र की शोभा बढ़ी है। ऐसे वित्त अधिकारी और उन्होंने बोली के बारे में बताया भी कि हम लोग प्रयासरत हैं और किसी न किसी रूप में कल्पना पटवारी जी के माध्यम से भोजपुरी विश्व पटल पर हम लाएंगे, हमारा यह प्रयास है। इसके लिए मैं श्याम बाबू पटेल जो वित्त अधिकारी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए।